नमस्कार, आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल बुक्स अड्डा वन में। आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल पे GK GS और करंट अफेयर के क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 20 मिनट में हमारा टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चनों के आंसर लेने के लिए। मैं आपके इधर स्लाइड लगा दूंगा और स्लाइड में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जिस भी अकॉर्डिंग से सेट करना होगा मैं सेट कर दूंगा। मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ऑप्शन भी दूंगा, सारी चीज़ें इस स्क्रीन पे भी दिखाई देंगी। आप अपना आंसर कॉपी में लिख सकते हैं, तुरंत कमेंट कर सकते हैं, उस वक्त इस चीज़ का आंसर दिया जाएगा, तुरंत आपको होता है। जो लोग वो ऑप्शन टिक करेंगे वो लोग अपने हिसाब से समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। आज का पहला क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, अजमेर शरीफ, बनारस, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए आंसर दिया है मतलब कि फतेहपुर सीकरी, वो सारे लोग सही हैं। तो फतेहपुर सीकरी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन आपके पास है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर देखिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन दिया है अकबर, वो सारे लोग सही हैं, ठीक है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है तीसरा नंबर, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन आपके पास है चार्ल्स द्वितीय, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, वालपोल। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्लेमेंट एटली, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप अपना जल्दी से आंसर ले लीजिए, टिक कर लिए, लिख लिए, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है 14 सितंबर, 18 अप्रैल, 13 मई, 31 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी ऑप्शन, चौथे क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, 18 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन आपके पास है मैरिया एसबेल पैरॉन, बेनजीर भुट्टो, श्री माओ भंडार नायके। फोर्थ ऑप्शन है मार्गरेट थैचर। तो पांच नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, जितने लोगों ने श्री माओ भंडार नायके लगाया हुआ है वो सारे लोग करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं छठे नंबर पे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन में वालपोल, बी में है लॉर्ड क्लेमेंट एटली, सी ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल और डी ऑप्शन है मार्गरेट थैचर। तो छः नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया विंस्टन चर्चिल, वो सारे लोग करेक्ट हैं, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सातवां नंबर, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश, ऑप्शन आपके पास है अमेरिका, सोवियत संघ रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो सात नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, ठीक है, सोवियत संघ रूस, वो सारे लोग करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन आपके पास है मारिया एसाबेल पैरॉन, श्री माओ भंडार नायके, मैडम क्यूरी, मार्गरेट थैचर। तो जितने लोगों ने आठ नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया है, क्या है ए ऑप्शन में मारिया एसाबेल पैरॉन, जितने लोगों ने ये ऑप्शन टिक किया वो सारे लोग करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नौ नंबर, आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपके पास है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी ऑप्शन शाहजहां, जितने लोगों ने शाहजहां ऑप्शन टिक किया वो सारे लोग करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा। आपके पास ऑप्शन है 2062 में, 2064 में, 2065 में या 2068 में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, 2062 में, जितने लोगों ने लगाया उतने लोग करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी है प्रोटीन और डी ऑप्शन है आयोडीन। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन है, बी मतलब इंसुलिन, ठीक है।
तो जितने लोगों ने इंसुलिन ऑप्शन लगाया वो सारे लोग करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपके पास आंसर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, विटामिन डी। जितने लोगों ने विटामिन डी लगाया वो सारे लोग करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन में है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास है चित्तरंजन दास, बी में है सी एफ एंड्रयूज, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है विद्यापति। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, क्या ऑप्शन है? सी एफ एंड्रयूज। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया 13 नंबर का वो सारे लोग करेक्ट हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, ऑप्शन है अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। जितने लोगों ने कनिष्क ऑप्शन टिक किया है, कनिष्क, वो सारे लोग करेक्ट हैं। थोड़ा फास्ट फास्ट हो रहा होगा, फास्ट नहीं है, इतने क्विक तरीके से अगर आपके पास आंसर है, देखिए मैं यहाँ तो आंसर देख के आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपना आंसर तुरंत ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन में, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? ऑप्शन 8 घंटे की, 12 घंटे की, 14 घंटे की, 18 घंटे की। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, 12 घंटे की। ठीक है, 12 घंटे की। 16 नंबर क्वेश्चन में, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। तो आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, बी मतलब अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, तो प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन में ए जापान, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, डी मतलब कि इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। 18 नंबर क्वेश्चन में, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, चीन, कनाडा। तो आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, चाइना। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है? तो ऑप्शन देखिएगा, अग्नाशय, थायराइड, आमाशय, जनन ग्रंथि। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, अग्नाशय। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, ग्लोब पर भारत की स्थिति कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, सेम फिर बी ऑप्शन है 10 5 से 34 5 उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन पे 6 3 से 35 8 उत्तरी अक्षांश, 8 2 से 36 4 तक उत्तरी अक्षांश। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा 20 नंबर का? ए ऑप्शन, 8 डिग्री 4, फिर देखिए 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक, ए ऑप्शन आपका 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, चौरी चौरा का संबंध किससे है? ऑप्शन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ए ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ए ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड रिपन, सी में है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, फोर्थ में है लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है 23 नंबर का?
23 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, बी आंसर मतलब मीथेन, ठीक है, मीथेन। 25 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? सिंपल सा आंसर है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 380। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा 25 नंबर का सी ऑप्शन, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया? ऑप्शन 1180 में हराया, 1190 में हराया, 1192 या 1194। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? 1192 सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 28 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, जेद्दा। तो ऑप्शन का 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, जेद्दा में, ठीक है, आंसर क्या है? जेद्दा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है क्यूप्रिक गैस, बी में है नाइट्रस ऑक्साइड, सी में है क्लोरोएसिटोफिनोन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही है, क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट, मास्की अभिलेख या मास्को अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है या फिर बिहार से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन जो है 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 31 नंबर, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है तो कौन सा है? ए ऑप्शन में है ब्रिटेन, बी में है डेनमार्क, सी में है जापान और डी में है स्वीडन। तो आपका आंसर 31 नंबर क्वेश्चन का है सी ऑप्शन, जापान, ठीक है, जापान। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी जापान, डी डेनमार्क। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है डी डेनमार्क, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश, ऑप्शन है भारत, यूएसए, चीन, ब्राज़ील। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है सी चाइना, सिविल सेवा का प्रारंभ करने वाला, ठीक है, सी चाइना। 34 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है जो शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो 34 नंबर में आपके पास ऑप्शन है चाइना, भारत, इंग्लैंड, प्रशा। तो इसका आंसर आपके पास है 34 नंबर का डी ऑप्शन, प्रशा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी या की जाती थी, ठीक, की जाती थी? ए ऑप्शन बरगद, बी आम, सी बेल, डी पीपल। तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास है डी पीपल के पेड़ का, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रथम तेल शोधक कारखाना। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन में डिगबोई, बी में है मथुरा, सी में अंकलेश्वर, डी में है पूना। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा 36 नंबर का? ए ऑप्शन डिगबोई, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन है एम जी रनाडे, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गुरु रामदास। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन एम जी
रनाडे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया है, इसमें से जितना भी आपने करेक्ट किया होगा अच्छी बात है। आइए अब कुछ करंट के क्वेश्चन को लेते हैं जिनसे हमें और भी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके पास 37 वहाँ पे हो गया, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट कर लिया, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, 38 नंबर का क्वेश्चन आपका। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 39 नंबर का, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, के देशों का शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया था, 2019 का कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। तो 28 नंबर के आपके 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन स्पेन, बी स्विट्जरलैंड, सी सर्बिया, डी रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुजरात में हुए दंगों में, ठीक है, राज्य की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन है नानावती मेहता आयोग, प्रफुल्ला चंद्र आयोग, लिब्रहन आयोग, बी एन श्री कृष्ण आयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नानावती मेहता आयोग, ठीक है, यही गुजरात दंगों के लिए गठित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं, कौन नियुक्त किए गए, ठीक है। तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, सुनील छेत्री, आई एम विजयन, वाई चुंग भूटिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन, रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में फास्टैग की चर्चा समाचार में रहा है, यह किससे संबंधित है। ए ऑप्शन इसरो के गगनयान मिशन के लोगों से, बी में स्वचालित भुगतान व्यवस्था से, सी ऋणों के शीघ्र भुगतान प्रणाली से, डी खराब ऋणों के शीघ्र वसूली से। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है बी, स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइंड मास्टर्स पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी है, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 दिसंबर को, ठीक है, 2019 को क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश ने नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास है, मिशेल दीपास, मैनुअल मारेरो क्रूज, ब्रेनो रोडिगिया पेरिलो, फिलिप पेरेज रोक। तो ऐसे नाम भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है उसका बी ऑप्शन सही है, मैनुअल मारेरो क्रूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय क्रिकेटर जिन्हें विजडन क्रिकेट अल मानेक, ठीक है, अल मानेक ने 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है। ऑप्शन है MS धोनी को, आर अश्विन को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है सी ऑप्शन, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 1 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन आपके पास है, दीपक कपूर, बिपिन रावत, विक्रम सिंह, VK सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिपिन रावत, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ए ऑप्शन में हिंदू टनल किया है, बी अटल टनल, सी भारतीय टनल, डी गांधी टनल। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है अटल टनल, ठीक है, अटल टनल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका 50वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। ए ऑप्शन 23 दिसंबर को, बी 20 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए ऑप्शन, 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कैसी लगी ये सीरीज़ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है काफ़ी तेज़ है तो आप ये भी कमेंट करिए कि सर थोड़ा स्पीड थोड़ा कम रखिए। बाकी आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप अपने पास आंसर टिक करके बताइएगा कि आपका कितना सही था, ठीक है? क्योंकि आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, ये आप ही के लिए किया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं किया जा रहा, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन पहले आप वॉच करिए, आप अपना आंसर लिखते रहिए कि ए सही, अपनी कॉपी में लिखिए इसका बी सही है, इसका सी सही है, मेरा करेक्ट, ये वाला सही, ये वाला सही। इस तरीके से जितना आपका टोटल सही हो आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है? चलिए इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।